गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 22 ऑफ अक्टूबर और आज हम जा रहे हैं शिमला के लिए और रास्ते बहुत ही शानदार हैं और हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक से और हमारी बाइक में बैकरेस्ट है, इसकी वजह से हमें बहुत आराम मिल गया। अगर आप भी जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो ऐसी ही बाइक को रखिएगा और रास्ते थोड़े बहुत ख़राब है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके बाद हम दिन में 2 बजे तक पहुँचते हैं और सिर्फ सो जाते हैं, उसका सीधे आपको मिलेंगे अब शाम को हम। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ और अभी हो गए हैं 9:30 रात के, सब कुछ बंद हो चुका है, हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया है और फिर भी हम जाएंगे। बहुत यहाँ चढ़ाई है भाई, से मतलब घर याद आ जा रहा है इस टाइम में, इतना चलना पड़ रहा। तो यहाँ का आप रास्ता देख रहे हो कैसा है, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हालत ख़राब है। क्या हालात है बल्लू? बहुत बुरी हालात हैं, देखते हैं ऊपर क्या रहता है। फिलहाल तो बड़ा फेमस है ऊपर तो। सो यहाँ से स्टार्ट हो गई है यहाँ की मार्केट और देखते हैं हमारी कहाँ आती है डेस्टिनी। हालात क्या चल रहे हैं आपके? अब तो नज़दीक है हम लोग। हे गाइस, फाइनली हम लोग का हो गया है डिनर। डिनर में यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं मिला था क्योंकि सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी और यहाँ पे पीछे जो आपको वो दिख रहा है वो है क्राइस्ट चर्च, जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं। और यहाँ से पूरा आप व्यू देखो कि कैसा है यहाँ पे, और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ना ज़्यादा भीड़ है, मतलब नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिखे। और फिलहाल अभी हो रहे हैं रात के 10 और हम लोग जब जा रहे हैं फिर से होटल और फिर अब मिलते हैं आपको हम सीधे सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड अगेन, जहाँ कल गए थे, बट कल हम पैदल गए थे और थोड़ा बहुत ही जा पाए थे। सो आज हम जा रहे हैं लिफ्ट के थ्रू, यहाँ पीछे देख रहे हो लिफ्ट है। सो यहाँ हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे और जैसा जो भी रहेगा मैं आज आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चले चलते हैं लिफ्ट की तरफ। सो ये रही वो लिफ्ट जो कि आपको डायरेक्ट माल रोड पे उतारती है। आपको मेरे तरीके से रात में जैसे हम स्ट्रगल करके पहुंचे थे वैसे आपको नहीं पहुंचना पड़ेगा, जिसका टिकट सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ का है और ये रात के 8 बजे तक ओपन रहती है। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं झाकू टेम्पल के लिए और वहाँ जाके हम देखते पहले कि कहाँ पे बस का पूरा सिस्टम है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है वहाँ के बारे में। बस नहीं है, रोपवे है। रोपवे है, ओके, रोपवे है, जो कि मैं बहुत टाइम से सुन रही थी कि हमें वहाँ जाना है और कल तो हमें बहुत टाइम लग गया आने में, फाइनली आज जो हम जाएंगे उसके थ्रू तो जल्दी पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग जा रहे हैं रोपवे में, जिसका कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बट पैसे बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है इससे बेटर है कि 2 वे का हम जो है कहीं पे कार की बुकिंग कर लें, कि वो सिर्फ 300 में हो रहा है और जो हम यहाँ पे जा रहे हैं ये 250 पर पर्सन है, वो भी अगर आप लौटे का करते हैं तो 500 है। सो ट्राई की 250 प्लस टैक्सेस ऐसे करके हैं। सो चलिए चलते हैं हम लोग रोपवे की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, रोपवे में बैठ गए हैं और ये रहा। सो गाइस, आज इनका बर्थडे जिसके लिए हम लोग आए हैं, सो हैप्पी बर्थडे बल्लू। कैसे लग रहे थे बैठ के? यहाँ तो बहुत सारा डर लगने वाला है। इससे पहले यहाँ तो मास्क निकाल लो, हरिद्वार में बैठा था बहुत पहले। सो फाइनली मेरे को इतनी गर्मी लग लगी, जैकेट में मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से सारा व्यू। तो यहाँ से ये है सारा व्यू यहाँ का और वहां से हम चले थे और जाएंगे ऊपर को। सो गाइज, हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे पहले झाकू टेम्पल, फिर वहां पे जाएंगे हम रिटर्निंग में। जब हम आएंगे तो हम ट्रेकिंग करके आएंगे। सो देखते हैं कि कितना हम लोग चल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे चलने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है हमारी, क्योंकि ऊपर चढ़ लेना एक्स्ट्रा वाली गर्मी है यहाँ पे। ऐसे मतलब नीचे बहुत ठंडा था बट ऊपर आके मतलब गर्मी और बढ़ रही है। हाँ, तो फिर हम लोग जब रिटर्निंग आएंगे तो दिखाएंगे कितने खूंखार वाले रास्ते हैं यहाँ पर, बहुत ही बुरे वाले रास्ते हैं। जाती तो है बट ले नहीं जा पाऊंगा और बाइक की भी कंडीशन नहीं है चढ़ने लायक, क्योंकि यहाँ पे रास्ते थोड़े से खराब है, तो इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं ऊपर और चलिए दिखाते हैं वहाँ पे कैसा है। भाई साहब, ये तो बहुत ऊपर आ गए हैं, यहाँ से शिमला कितना ज्यादा छोटा दिख रहा है। तो बल्लू कैसा लग रहा है नीचे देखने में? डर और नहीं लग रही है? नहीं लगेगा। अरे पहाड़ों पे रहने क्यों को ऐसे झूठ बोले? मुझे नहीं लगेगा, झूठ भी नहीं बोलते यार। सो यहाँ से आप देख रहे हो बहुत तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। अच्छा लग रहा है, वो देखिए वो हनुमान जी वहाँ पे दिख रहे हैं और बहुत बड़े हनुमान जी। यहाँ पे क्या कहानी हनुमान जी की? सबसे बड़े हनुमान जी के टेम्पल है इंडिया में। ओके, तो ये इंडिया में सबसे बड़ा टेम्पल है। अभिषेक बच्चन ने दिया। वाह,
ये हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं और अच्छा वो हम इससे आगे नहीं तो पैदल जाते तो बहुत हालत खराब हो जाती है। रिटर्निंग हम करेंगे यहीं से। और तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं झाकू टेम्पल और यहाँ पे दो देवियाँ और एक देवता खड़े हैं हाथ ऐसे जोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमने फोटोज भी करवा ली है। एक देवी और एक देवता दो कहाँ? अच्छा दूसरी देवी तो तुम हो। अरे भाई मैं तो हूँ ना। चलो अभी फाइनली यहाँ पर पीछे फिर हम लोग जा रहे हैं पीछे ट्रैकिंग करने के लिए थोड़ा बहुत चल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदर है और मेरी तो एकदम हालत खराब है। अरे ये अपनी तरफ ही आ रहा है। तो गाइस ये रहा मंदिर और ये बहुत बड़े हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस शिमला अगर आप बर्फ देखने आ रहे हैं तो दिसंबर मिड सबसे बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे आपके कुफरी में सबसे पहले बर्फ गिरती है, उसके बाद यहाँ झाकू टेंपल पे, फिर वहाँ मिड मार्केट में। सो ये दोनों ही जगह बहुत ही टॉप पे हैं तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ही बर्फ गिरती है। तो गाइस फाइनली हमने कर लिए है दर्शन और हम लोग जा रहे हैं चाय पानी करने और बर्थडे बॉय निकल गए हैं आगे और फिर हम मतलब दर्शन करके अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत टाइम बाद ऐसे हनुमान जी के मंदिर आए हम लोग। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कहाँ हम लोग जाते हैं। तो ये रहा वो रास्ता जहाँ से हम नीचे ट्रैक करते हुए उतरेंगे और रास्ता आप देख रहे हो कैसा, सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स हैं और नीचे जाके एकदम ही प्लेन है जहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप स्लिप कर जाओगे और रास्ते में बहुत सारे बंदर मिलते हैं। और आपको स्पेशली मेरी सजेशन है कि आप स्पेक्स बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो बंदर तो लेके जाएंगे। और यहाँ पर हम आ गए हैं लक्कड़ मार्केट में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों का ही सामान मिलता है। हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि हमारे पास सामान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था और मुझे कुछ ऐसा बहुत खास लगा भी नहीं। सिर्फ हमने कीरिंग ली थी और उस पर अपना नाम लिखवाया था प्राश्मिता, बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। और साथ ही में मेरा यहाँ पे सेल्फी स्टिक टूट गया था तो उसका एक दुख हो गया और बाकी मैं खोज रही थी वो भी मिला नहीं मुझे जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ जो कि अभी बंद ही चल रही, जैसे कि आपका एडवांस इंस्टीट्यूट था जहाँ पे शिमला समझौता हुआ था, जॉनी वैक्स म्यूजियम था, स्टेट म्यूजियम, फेमस शिमला लाइब्रेरी था, ये सब बंद था, बाकी तत्ता पानी भी बंद था। तो मतलब ये सारी चीज़ें बंद थी, सिर्फ जो चीज़ें ओपन थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये द रिज है और हाँ रिज एक्चुअली इसके नीचे वाटर टैंक है और पूरे शिमला को पानी की सप्लाई यहाँ से ही होती है, बट किसी को पता नहीं है कि इसके नीचे वाटर टैंक है। देख के भी आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर वाटर टैंक है। और ये रही यहाँ की द फेमस स्टेट लाइब्रेरी जो कि अभी शायद बंद है और माल रोड के लिए हमें ऊपर दोनों अगर वहाँ से एक्चुअली इसका व्यू अच्छा आता है। तो अभी चलते हैं हम लोग प्यारा तिरंगा झंडा पीछे, प्यारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है प्राउड के साथ, अच्छी जगह है खूबसूरत। हम अभी फिर ऊपर भी जाएंगे और वहाँ से भी व्यू लेंगे, वहाँ से ज़्यादा सुंदर है। सो गाइस ये है क्राइस्ट चर्च शिमला का जहाँ पे आपको चर्च और पीछे हनुमान जी एक साथ दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्लेस लग रही है। और यहाँ पे मौसम एकदम नॉर्मल सा है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे माहौल जो भी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने देखी सब कुछ आसपास में, पहले लक्कड़ मार्केट पड़ता है, फिर आपका दर्री जाता है, उसके बाद आता है आपका स्कैंडल पॉइंट जिसके बारे में आपको स्टोरी मेरे हस्बैंड बताएंगे, बट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके बाद आप मेन मार्केट में आ जाते हो मॉल रोड के, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पर गाड़ियों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप सब कुछ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट अपने जहाँ पर भी आपका व्हीकल है आप वहाँ पर भी ऐसे जा सकते हो। हे गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग स्कैंडल पॉइंट पे। इसका नाम है स्कैंडल पॉइंट और इसको स्कैंडल पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पटियाला के महाराजा को यहाँ के वायसराय की बेटी से प्यार हो गया था और जब वायसराय ने मना कर दिया तो उन्होंने फाइनली इसी जगह से वायसराय की बेटी को वो लेकर भाग गए थे और जब से इसका नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। वैसे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे पहले लोग बैठते थे इन बेंचेस पर, आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनली ये जो बेंच लगी हुई है यहाँ पर, ऐसा कहा जाता था कि आई मीन ये रिज है कि यहाँ पर लोग जब पहले आके बैठते थे उनको प्यार हो जाता था और ये भी एक रीज़न है इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट होने का। बट अभी पता नहीं हमें स्टोरी क्या ट्रू है, बट ये दोनों ही स्टोरी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं फिर आगे। हे गाइस सो फाइनल हम लोग आ गए हैं अपने होटल में और अभी हो रहे हैं इवनिंग के 4:30 और अभी हम लोगों ने फिलहाल लंच वगैरह करके हम आ गए, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब देखते हैं शाम को हम कहाँ जाते हैं, फिलहाल किसी नॉर्मल प्लेस पे ही जाएंगे यहाँ की
मेन मार्केट में ही जाएंगे और वहाँ पे सुना तो है कोई अच्छे अच्छे से प्लेसेस है जहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो देखते हैं हम इवनिंग में क्या कर पाते हैं। फिलहाल तो कल हमें जाना है कुफरी। सो बस इतना मैं बोलूँगी कि शिमला मुझे मतलब नॉर्मल सा लगा, ऐसा कुछ बहुत खास मुझे नहीं दिखा। बट हाँ मैं सुनी हूँ ऐसा कि कुफरी वगैरह का लोग बोल रहे कि वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी शिमला मतलब एक बोल सकती हूँ बहुत नॉर्मल सा मुझे लगा, बहुत कोई इतना भी ज़्यादा हाई फाई भी नहीं लगा। एक ओवरऑल ठीक है, मतलब एक दिन बिता सकते हो, एक दिन से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इवनिंग में। सो गाइस अभी हो रहा है इवनिंग के 7 और हम लोग जा रहे हैं क्यू कैफे, और 6-7 किलोमीटर जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। बट मैंने सुना वहाँ पार्टी करने के लिए बहुत अच्छा है। सो देखते हैं रास्ते में केक वगैरह का अगर कुछ मिलता है तो चलते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं सीधे। तो ये रहा क्यू कैफ़े का एक आउटर व्यू मैं आपको दे रही हूँ, बट जो रियल में जो अच्छी जगह जिसको बोल सकते हैं वो यहाँ से आपको जो दिख रहा अंदर जाने के लिए वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे तो हम उनकी प्राइवेसी को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे। बट मैं बोलूँगी पार्टी करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन था ये। हमने वहाँ पे भले केक नहीं कट किया बट हमने इन्जॉय बहुत किया, क्योंकि हम नए थे वहाँ पर तो हमें इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, बट लिटरली मज़ा आ गई यहाँ पर। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो यहाँ जाइएगा ज़रूर, क्यू कैफ़े नाम है इसका। तो यहाँ पर बाइक से आने का जो हमारा डिसीजन था ना वो बहुत ही अच्छा था, ड्यूरिंग दिस कोविड बहुत ही सही डिसीजन था हमारा बाइक से आना। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैंने कल रात को जो है अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बात कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग रात में जब आए थे तो थोड़ा लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी बाहर में, और हम लोग जहाँ गए थे वो प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको जो है नेम मेंशन कर दूंगी उस कैफ़े का, अगर आप यहाँ आते हैं शिमला में तो वहाँ जाइएगा ज़रूर और पार्टी करने के लिए। और दूसरा एक ऑप्शन मैं और दूंगी, अगर आप यहाँ आते हैं होटल में रहने के लिए तो वहाँ पे होटल का भी उन्होंने दे रखा और मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। बस इतना है कि हमें पता नहीं चल पाया, और वो थोड़ा सा मतलब मॉल रोड से सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर ही दूर होगा। तो मैं तो बोलूँगी कि इधर उधर के होटल्स में रहने से अच्छा है वहाँ पे रहिए, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उनका पिक एंड ड्रॉप का जो है फैसिलिटी भी वो दे रखते हैं, दिन भर में 2 बार वो देते हैं, एक बार आपको जा छोड़ के आएंगे मॉल रोड तक और एक बार वहाँ से वो ले करके आते हैं, और साथ में आपको जो वहाँ पे पूरा माहौल मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हमने इन्जॉय बहुत किया बट हमने वहाँ के क्लिप्स ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं चाहते थे किसी की प्राइवेसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और हमारे उसे लोग डिस्टर्ब हो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। सो थोड़ी बहुत जो हमने पिक्स ली है वो हम डाल देंगे। बाकी हमने केक कटिंग नहीं की थी क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे, वहाँ पे केक रास्ते में था नहीं, और साथ ही मेरे हस्बैंड को केक काटना भी नहीं था क्योंकि उनको कहना है कि क्या मतलब है केक काटने का। सो हम लोगों ने नॉर्मली बस वहाँ पे जाके इन्जॉय किया उस टाइम को, और काफ़ी अच्छा लगा हमें। अगर आप भी यहाँ आइएगा तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कुफरी के लिए, और अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा कुफरी का सारा टूर जो भी रहेगा। सो फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अब जा रहे हैं आज बाहर देखने की कुछ क्या पता अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।